केसीआर हो या केटीआर, केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। अपनी प्रशासनिक असफलता, हर क्षेत्र में सफल है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, यहां तक कि छात्रावासों में छात्रों को, छात्राओं को खिलाने के लिए खाना नहीं है, दे नहीं पा रही है। अगर है तो उससे फूड पॉइजन हो रही है। 300 से ज्यादा लोग, बच्चे बीमार हो चुके, एग्जामिनेशन सिस्टम फेल हो चुका, एम्प्लॉयमेंट दी नहीं जा रही, पेपर लीक हो रहे, GR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, हर रोज कैंसलेशन हो रही है। और मोस्ट करप्ट, अगर इस देश में भ्रष्टाचार पर किसी को कोई तगमा मिल सकता है तो वर्ल्ड की सबसे करप्ट सरकार, अहंकारी सरकार, परिवारवादी सरकार, तो उसका तगमा केसीआर की, तेलंगाना की सरकार को मिल सकता है। और 20 दिन से, वैसे तो मुख्यमंत्री साहब 9.5 साल ही कहीं नहीं आए, लेकिन 20 दिन से लापता है। सरप्लस स्टेट था तेलंगाना, भारत का सरप्लस स्टेट था, उसे कर्जे वाला स्टेट बनाने का काम केसीआर ने किया है, उसकी नीतियों ने किया है। और आज कर्जे का ब्याज भुगताने के लिए गरीबों की जमीन, स्टेट की जमीन बेची जा रही है। और मैं केटीआर साहब से निवेदन करूंगा कि खुली बहस के लिए आइए। हम आपको बताते हैं कि भारत में जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तरक्की की रफ्तार किसे कहते हैं।